पब्लिक टीवी आपकी आवाज। वैश्य समाज उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद के संगठन के विस्तार और नवीन कार्यकारिणी का गठन जिला कार्यालय सिविल लाइन्स मुरादाबाद में आयोजित किया गया और लखनऊ में आयोजित होने वाले विशाल व्यापारी मेले पर विस्तार से चर्चा की गई। वैश्य समाज मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष नितिन गुप्ता द्वारा बैठक में कर्मठ सदस्यों को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष नितिन गुप्ता द्वारा संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि लीना सिंघल प्रदेश अध्यक्ष महिला वैश्य समाज ने नवीन पदाधिकारियों को शुभकामनाएं और बधाई देते हुए संगठन की रीति के अनुरूप कार्य करने का आह्वान किया। इस अवसर पर लीना सिंघल द्वारा वैश्य समाज को मजबूती प्रदान करने के लिए जिलाध्यक्ष नितिन गुप्ता के कार्यों की सराहना की गई। बैठक में जिलाध्यक्ष नितिन गुप्ता द्वारा जिला उपाध्यक्ष सौरभ अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष राजीव गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष मनीष गोयल, जिला महामंत्री रजत अग्रवाल, जिला मंत्री मनोज गुप्ता, जिला मंत्री रचित गुप्ता, जिला मंत्री अनुज अग्रवाल, जिला संगठन मंत्री रमन भूषण, जिला कोषाध्यक्ष मुकेश माहेश्वरी, जिला संगठन मंत्री मनोज गुप्ता, कार्यकारिणी सदस्य गीतांश मित्तल, यश गुप्ता, रचित अग्रवाल, सचिन सिंघल, सौरभ मित्तल, अरविंद जैन, शैलेंद्र बंसल, विकास गुप्ता, मयंक अग्रवाल, मुकुल गोयल, विजय कंसल, राजीव गुप्ता, जिला मीडिया प्रभारी हर्षित गुप्ता को पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई। और कहते भी हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो आज यहाँ में जो बहुत सारे युवा शक्तियाँ दिखाई दे रही है, मुझे लग रहा है कि ये मुरादाबाद की जो टीम आज बनी है जिले की वह समाज की बहुत कर्मठता के साथ अपने समाज को काम को आगे लेके जाएगी। और जो अभी नीरज जी ने कहा कि हमारे समाज में राजनीति में कम आगे आना होता है, लेकिन इस टीम जब ये टीम आगे आएगी तो न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका को निभाएगी। तो मुझे बधाई अपने जिलाध्यक्ष जी को, नितिन जी को, सभी पदाधिकारियों को, और उनको शुभकामनाएं भी, और वो बहुत अच्छे से काम करें। और कहीं भी हम लोगों की आवश्यकता है, हम हर तरीके से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ हैं। एक बात कहना चाहूँगी इस मौके पर, ये पद जो आपको आज मिला है ये बहुत जिम्मेदारी वाला पद है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि समाज का दायित्व मिला है आपको। समाज का दायित्व है मतलब हम समाज को कुछ देने वाले लोग हैं, हम समाज में भविष्य बनाने वाले लोग हैं। हम आज जो खड़े हैं वो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने हमें दिया, लेकिन आगे आने वाले समाज को हम क्या देंगे, अपने बच्चों को क्या हम देंगे, ये आपके ऊपर अब जिम्मेदारी आ गई है। तो इसीलिए मैं आप सबसे चाहती हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बहुत अच्छे से काम करिए। आज हमने अपनी जिला कार्यकारिणी की कमेटी गठित करी है और सब लोगों को दायित्व दिया गया है, जिसमें हमने आज तीन उपाध्यक्ष बनाए हैं, एक महामंत्री बनाए हैं, दो मंत्री बनाए हैं, दो संगठन मंत्री हैं और 11 सदस्य बनाए हैं। सब बहुत अच्छे हैं, बस अपने समाज के लिए काम करेंगे और एकजुट होकर काम करेंगे। जिससे समाज में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो पूरा समाज, पूरा जिला, पूरा वैश्य समाज एक साथ इकट्ठा दिखाई देगा। और इसी के साथ लखनऊ में एक मेले का सम्मेलन है बहुत बड़ा, उसमें मैंने सब लोगों से विनम्र निवेदन है, अपने समाज के लोगों से, व्यापारी भाइयों से, पूरे परिवार के साथ उस मेले में चलें और अपने वैश्य समाज की ताकत दिखाएं। मेरे माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदी गोपाल गुप्ता ही जो मेरे वैश्य समाज के मेरे मार्गदर्शक हैं और प्रदेश संयोजक जी हैं। बहुत बड़ा लखनऊ में मेले का सम्मेलन है जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अमित शाह जी भी रहेंगे, तो हमें उसे भी सफल बनाना है। नहीं, व्यापारियों के लिए भी काम करेगा और हर वैश्य समाज के लिए काम करेगा। वो उन्होंने कल अपना रिजाइन दे दिया मुझे महामंत्री पद से और वो कल छोड़ के पद अपना चले गए। नहीं, मेरे समाज से अगर कोई पीड़ित है तो मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।